हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 के बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश का पेपर देखने जा रहे हैं। तो टाइम आपको 3 आवर्स मिलता है और 80 मार्क्स का पेपर है। एक्टिविटी शीट, लैंग्वेज स्टडी सबसे पहले 10 मार्क्स का, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प एनी 4 8 मार्क्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाई यूजिंग करेक्ट लेटर। तो काफ़ी इजी है ये, आप लोग कर सकते हैं। पीपल, मैच, हाउस, एडल्ट। तो पहले ओ आएगा, फिर सी, एस, देन यू। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले डी आएगा, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं, एल, पी, देन एस। और सेकेंड वाला भी आपको पहले से, जैसे सब में एल है, फिर तो सारे उसमें फर्स्ट में एल है, फिर दूसरे में आप देखेंगे कि कौन सा पहले लेटर आ रहा है, तो ए आ रहा है। तो लार्ज पहले रहेगा, फिर लाइट रहेगा, फिर लॉयल रहेगा, फिर लक रहेगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप ये पंक्चुएशन आपको अच्छे से करना है। वेल, आई विश यू लक, सेड सीताराम। तो वेल के बाद कॉमा लिखाना है, आ में आई, और वेल का जो डब्ल्यू है कैपिटल में आएगा, आई भी कैपिटल में आएगा, और बाद में फुल स्टॉप लगेगा। व्हाट्स योर नेम, डब्ल्यू शुड बी कैपिटल लेटर। व्हाट्स योर नेम, लिटी वन, आस्क द टीचर। व्हाट्स योर नेम, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर और ऊपर आपको लिटी वन आस्क द टीचर, फिर लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर ईच यूजिंग द लेटर इन द वर्ड बेंच मार्क। अब इसके आपको 3 लेटर्स बनाने हैं। पेपर काफ़ी ईजी है। तो एक तो आपको मार्क, एक वर्ड तो ऐसे ही बन गया, बेंच भी बन गया। तो ऐसे ही आपको एक और आप बना सकते हैं इसमें। राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन द एग्जाम्पल। स्कूल, फेमस, अब इससे रिलेटेड वर्ड आपको डालने हैं। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब एट 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। डू एज डायरेक्टेड, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू लुक आफ्टर। आई ऑलवेज लुक आफ्टर माई यंगर सिस्टर। जैसे हमने ये सेंटेंस बना लिया। एड अ क्लॉज टू फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। I selected 3 poem. Attempt anyone at prefix or suffix to make new word. तो करेज का डिसकरेज होगा, wonder का wonderland। Make a meaningful sentence using any one of the following word, courage और wonder, इसका आपको meaningful sentence बनाना है। I have courage to face anything. Wonder, I wonder she had won the competition. Read the following passage and do the activities. Write whether the following sentences are true or false. आपको जैसे आपने किया था तो आपको ये passage पढ़ के, ये sentence है तो आपको बताना है कि true है या false है। और दूसरा, आप मेरे video को stop कर सकते हैं और फिर properly read कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेजेस फ्रॉम द ब्रैकेट। डू एज डायरेक्टेड, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। हियर अगेन यू हैव टू रीड द पैसेज। अब ये पैसेज आप रीड करोगे तो उसमें से आपको इसके एंटोनिम्स लिखने हैं। बैड का गुड है, हैप्पी का सैड होगा, नेवर का ऑलवेज, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक।
डू एज डायरेक्टेड। मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, श्वेता इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। मीना इज अ LIC ऑफिसर। फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर।